subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक मेंटेन चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को यह बताने वाला हूँ, यदि आप भी अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में ऑनलाइन ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप भी हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन को दबाएं ताकि मैं जो कोई भी वीडियो सुनाता हूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वैसे आपको प्ले स्टोर से अपना BOBM एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वो कैसे लॉगिन करते हैं, यदि आपको उसको अपने बैंक से लॉगिन करना नहीं आता है तो नीचे कमेंट कीजिए, उसको मैं फुल वीडियो बना के दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो गाइस, इसको लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन पासवर्ड बनाना पड़ता है, चलिए सिंपली इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे, अपना पासवर्ड डाल से लॉगिन हो जाएगा। आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, FD RD UPI यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कैश ऑन मोबाइल भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट सर्विस भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट सर्विस में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, चेकबुक भी मंगा सकते हैं ऑनलाइन, स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, नेट बैंकिंग भी जोड़ सकते हैं, आधार अपडेट भी कर सकते हैं, नॉमिनी नेम भी अपडेट कर सकते हैं, और इसमें डेबिट कार्ड भी मंगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। गए सेटअप पिन भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड मंगा सकते हैं, अपना डेबिट कार्ड मैनेज भी कर सकते हैं। तो गए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ईमेल आईडी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं अपने अकाउंट में। इसको नीचे करते हैं, जिसे नीचे करेंगे तो ऐसे हम देख सकते हैं लिखा हुआ है सेट कम्युनिकेशन ईमेल आईडी। सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस, मेरा ऑलरेडी पहले से इसमें लॉगिन किया, रजिस्टर किया हुआ ईमेल आईडी, तो मेरा अब दोबारा नहीं हो सकता है। मैं दोबारा होने से इसमें देखिए लिखा हुआ है एंटर न्यू ईमेल आईडी, इसमें अब दूसरा आईडी लॉगिन कर सकता हूँ मैं। अब मुझे दूसरा आईडी लॉगिन नहीं करना है, आपको सिर्फ बताने कि आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इसमें लॉगिन करेंगे सिंपली आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना, उसके प्रोसीड करना। जैसे प्रोसीड करेंगे जो आपको ट्रांजेक्शन पिन होता है सिंपली वो ट्रांजेक्शन पिन जैसे डालेंगे आपका ईमेल आईडी सबमिट हो जाएगा। आई होप कि गाइस ये वीडियो को पसंद आया होगा। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे घंटे का बटन को दबाएं ताकि मैं जो कोई भी वीडियो सुना सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। थैंक यू दोस्तों।